Good morning dear student, welcome to my YouTube channel BioSock. हेलो डियर स्टूडेंट एन सी आर टी पोस्ट कार्ड इन हिंदी सीरीज में आज हम बात करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का पार्ट टू कल हमने थाइमस ग्लैंड तक रिवीजन कर लिया था आज हम आगे के तक करेंगे ठीक है आइए हम बात करते हैं एडनल ग्लैंड की हमारे शरीर में प्रत्येक किडनी के इंटीरियर पार्ट में एक जोड़ी एडरनल ग्लैंड पाई जाती है यह ग्लैंड दो प्रकार के टीशू से बनी होती है वह टीशू जो सेंटर में होता उसे है उसे एडनल मेडुला कहते हैं और जो इसके बाहर की ओर होता उसे है उसे एडनल कॉर्टेक्स कहते हैं एड्रेनल मेडुला दो प्रकार के हार्मोन सिक्रेट करती हैं पहला एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन और नॉन एड्रेनालिन या नॉन एपिनेफ्रिन कहते हैं इन्हें कॉमनली कैटाकोला माइंस कहते हैं एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन किसी प्रकार के स्ट्रेस या इमरजेंसी की स्थिति में तेजी से सिक्रेट होते हैं इसी कारण इन्हें इमरजेंसी हारमोन्स या हार्मोन्स ऑफ फाइट या फ्लाइट कहते हैं ठीक है, है। ये हार्मोन्स अलर्टनेस प्यूपलरी डायलेशन पीलियो इरेक्शन स्वेटिंग आदि को बढ़ा देते हैं ये हार्मोन्स हार्ट बीट हार्ट के कॉन्ट्रेक्शन की पावर एंड रिस्पायरेशन के रेट को बढ़ा देते हैं कैटाकोलामाइंस ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को बढ़ा देते हैं जिससे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है साथ ही लिपिड एंड प्रोटीन के ब्रेकडाउन को भी बढ़ा देते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स को तीन लेयर में डिवाइड किया जाता है जिन्हें जोना रेटिकुलरिस इनर लेयर जोना फेस्कुलेटर मिडिल लेयर एंड जोनो ग्लोमेरुलेशन आउटर लेयर स्टूडेंट यहाँ ध्यान देंगे यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो या तो आउटर टू तो इनर पूछा जाता है या तो इनर टू तो आउटर पूछा जाता है तो कृपया सॉल्व करते समय आप लैंग्वेज पे भी, भी ध्यान देंगे ठीक है एडनल कॉर्टेक्स कई हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं जिन्हें कॉमनली कार्टिको स्टीराइड या कॉर्टिकोइट कहते हैं कॉर्टिकवाइट जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहते हैं ठीक है हमारे शरीर में कॉर्टिसोल प्रमुख ग्लूकोकोर्टिक्वाइड होता है वे कॉर्टिक्वाइट जो हमारे शरीर में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को रेगुलेट करते हैं उन्हें मिनरलोकॉर्टिक्वाइट्स कहते हैं हमारे शरीर में एल्डोस्ट्रन प्रमुख मिनरलोकॉर्टिक्वाइड होता है ग्लूकोकॉर्टिक्वाइड्स ग्लूकोनियोजेनेसिस लाइपोलिसिस मतलब लिपिड को तोड़ना प्रोटीलाइसिस मतलब प्रोटीन को तोड़ना को स्टमुलेट करते हैं तथा अमाइनो एसिड के सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन को इनिवेट करते हैं कॉर्टिसल कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम तथा किडनी के कार्य को मेंटेन करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मुख्य रूप से कॉर्टिसल एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन को स्टमुलेट करता है और इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाता है कॉर्टिसल आरबीसी के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है एल्डोस्टोरॉन मुख्यतः रीनल टिब्यूल पर कार्य करता है और यह सोडियम एंड वाटर के रीअब्जॉर्बन तथा पोटेशियम व फॉस्फेट आयन के एक्सक्रीशन को बढ़ाता है एल्डोस्टोरॉन इलेक्ट्रोलाइट बॉडी फ्लूड वॉल्यूम ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में सहायक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से कुछ मात्रा में एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड भी सीकृत होते हैं जो प्यूबर्टी के समय एग्जाइल हेयर प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर की ग्रोथ में भूमिका निभाते हैं अब हम बात करेंगे पेंक्रियाज की तो पेंक्रियाज एक कंपोज़िटिव ग्लैंड है जो एक्जोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों की तरह काम करता है पेंक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस से बना होता है एक सामान्य मानों में लगभग 102 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस पाई जाती है जो पेंक्रियाटिक टिश्यू का एक से दो परसेंट होता है आइलेट्स ऑफ लेंगर हैंस में मुख्य रूप से दो प्रकार की सेल होती है जिन्हें अल्फा से सेल या बीटा सेल कहते हैं एल्फा सेल से ग्लूकागान हारमोन्स तथा बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है ग्लूकागान एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसकी मुख्य भूमिका ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना है ग्लूकागान मुख्यतः लीवर सेल्स की हिपैटोसाइड सेल पर कारकर ग्लाइकोजिनोनलाइसिस को स्टोमुलेट करता है जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है ब्लड में शुगर का बढ़ना हाइपर कहलाता है इसके अलावा ग्लूकागान ग्लाइकोनियोजेनेसिस को स्टोमुलेट करता है जिसकी वजह से हाइपर हो जाता है ग्लूकागान सेल्स में ग्लूकोज के अपटेक एंड यूटिलाइजेशन को कम कर देता है ग्लूकागान हाइपरग्लाइसीमिक हारमोन्स कहलाता है इंसुलिन एक पेप्टाइड हारमोन्स है जिसकी मुख्य भूमिका ग्लूकोज होम्योस्टेटिस को लेगोरेट करना है इंसुलिन मुख्य रूप से हिपेटोसाइड्स लीवर के सेल्स एंड एडिपोसाइट्स एडिपोस टिश्यू के सेल पर कार्य करता है और यह सेल में ग्लूकोज के अपटेक एंड यूटिलाइजेशन को बढ़ा देता है इसके फलस्वरूप ब्लड से ग्लूकोज तेजी से हिपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट में जाता है जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है इंसुलिन टारगेट सेल में ग्लूकोज में ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है इस तरह से ब्लड में ग्लूकोज होमियोस्टेटिस दो हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकोगान द्वारा कंट्रोल होती है अधिक लंबे समय तक हाइपरग्लाइसीमिया होने पर एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर होता है जिसे डायबिटीज मिलाइटिस कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस में यूरिन से ग्लूकोज का लॉस होता है और हार्मफुल कंपाउंड बनते हैं जिन्हें कीटोन बॉडीज कहते हैं डायबिटीज़ रोगी को इंसुलिन द्वारा सफलतापूर्वक सही किया जा सकता है अब हम बात करेंगे टेस्टिस की मेल में एबडोमिन के बाहर एस्क्रोटल सेक में एक जोड़े टेस्टिस पाई जाती है टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के साथ ही एंडोक्लाइन ग्लैंड की तरह कार्य करते हैं टेस्टिस सेमनी फेरेस्टिब्यूल एंड एस्ट्रोमल या इंटरस्टिशियल टिश्यू से बना होता है लीडिंग सेल या इंटर सेल जो इंटर ट्यूबुलर स्पेस में पाई जाती हैं वे हार्मोन का एक ग्रुप प्रोड्यूस करती हैं जिन्हें एंड्रोजन कहते हैं मुख्य रूप से ये टेस्टोस्टेरॉन होते हैं एंड्रोजन मेल्स में सेक्स ऑर्गन जैसे इपीडीडाइमस वास डिफ्रेंस सेमाइनल वेसाइकल प्रोस्टेट ग्लैंड यूरेथ्रा आदि के डेवलपमेंट मेचुरेशन एंड फंक्शन को रेगुलेट करते हैं ये हार्मोन मस्कुलर ग्रोथ फेसियल एंड एक्जलरी हेयर की ग्रोथ एग्रेसिवनेस लो पिच इत्यादि को स्टूमुलेट कर देते हैं एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोवा की प्रक्रिया को स्टूमुलेट करने में मुख्य भूमिका निभाता है एंड्रोजन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर कारकर मेल सेक्सुअल बिहेवियर लिबिडो को प्रभावित करता है ये हार्मोन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर एनाब्लो एनाबोलिक सिंथेटिक प्रभाव डालते हैं हम बात करेंगे ओवरी की फीमेल के एबडोमिन में एक जोड़ी ओवरी पाई जाती है ओवरी एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो प्रत्येक मिन्शर साइकिल के समय एक ओवम प्रोड्यूस करती है इसके अलावा ओवरी दो प्रकार के स्टेराइड हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है जिन्हें एस्ट्रोजन और पोजिस्ट्रॉन कहते हैं ओवरी ओवेरियन फॉलिकल एंड स्ट्रोमल टिश्यू का बना होता है एस्ट्रोजन की सिंथेसिस एंड सिक्रेशन मुख्य रूप से ग्रोइन ओवेरियन फॉलिकल के द्वारा होता है ओवोल्यूशन के बाद रप्चर्ड फॉलिकल कार्पस ल्यूटिन में बदल जाता है जो कि मुख्यतः पोजिस्ट्रॉन हार्मोन का सिक्रेशन करता है अगर हम बात करें एस्ट्रोजन की तो फीमेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की ग्रोथ एंड एक्टिविटी को स्टमुलेट करता है ग्रोइन ओवेरियम फॉलिकल का डेवलपमेंट करता है सेकेंडरी सेक्स करेक्टर का पेयर होना जैसे वॉइस पिच का अधिक होना आदि मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट एस्ट्रोजन फीमेल्स में सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करता है पोजिस्ट्रान प्रेगनेंसी में सहायक होते हैं पोजिस्ट्रान मेमरी ग्लैंड पर कार कर एल्ब्योलाई लाइक स्ट्रक्चर बीच स्टोर मिल्क के फॉर्मेशन एंड मिल्क सिक्रेशन को स्टमुलेट करते हैं अब हम बात करेंगे हारमोन्स ऑफ हार्ट किडनी एंड जी आई टी ठीक है हारमोन्स का सिक्रेशन कुछ अन्य टिश्यू द्वारा भी होता है जो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होते हैं जैसा कि हमारे हार्ट की एट्रियल वॉल एक जरूरी पेप्टाइड हारमोन सिक्रिएट करती हैं जिसे ए एन एफ कहते हैं ब्लड प्रेशर के बढ़ने से ए एन एफ सीक्रेट होता है या ए एन एफ ब्लड वेशल को डायलेट करता है एंड इससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है ठीक है किडनी के जस्टाग्लोमुलर सेल एक एरेथ्रोपोइटिन नामक पेप्टाइड हार्मोन सीक्रिएट करती है या एरेथ्रोपोइसिस एनि आर वी सी के फॉर्मेशन को स्टूमुलेट करता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अलग अलग भागों में पाई जाने वाली इंड्रोक्राइन सेल चार मुख्य पेप्टाइड हार्मोन का सिक्रेशन करती है जिनके नाम है गैस्ट्रिन सिक्रेटिन कॉलिसिस्टोकाइनिन एंड गैस्ट्रिक इनिवेट्री पेप्टाइड गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक ग्लैंड पर कार कर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन के सिक्रेशन को स्टुमुलेट करता है सिक्रेटिन जो होता है वो एग्जोक्राइन पेंकराज पर कार्य करता है यह वाटर एंड बायकार्बोनेटाइन के सिक्रेशन को बढ़ाता है ठीक है कॉलेसिस्टोकाइनिन पेंकिराज एंड गाल ब्रेडर दोनों पर कार कर क्रमश पैंक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइल जूस के सिक्रेशन को बढ़ाता है ठीक है जीआईपी गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड उसकी मोटिलिटी को एनिवेट करता है कई अन्य नॉन एंडोक्राइन टिश्यू कई हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं जिन्हें ग्रोथ फैक्टर कहते हैं ये ग्रोथ फैक्टर टिश्यू की नॉर्मल ग्रोथ एंड उनकी राइपनिंग यानी रीजनरेशन के लिए आवश्यक होते हैं अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन हार्मोन्स टारगेट टिश्यू पर पाई जाने वाली स्पेसिफिक प्रोटीन यानी हार्मोन रिसेप्टर से जुड़कर अपना प्रभाव दिखाते हैं टारगेट सेल की सेल मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले हार्मोन रिसेप्टर को मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर कहते हैं टारगेट सेल के अंदर पाए जाने वाले रिसेप्टर को इंट्रा रिसेप्टर कहते हैं और ये अधिकतर न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं हार्मोन रिसेप्टर के साथ जुड़कर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं प्रत्येक रिसेप्टर सिर्फ एक हार्मोन के लिए स्पेसिफाइड होता है इसलिए रिसेप्टर स्पेसिफिक होते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के बनने से टारगेट टिश्यू में कुछ बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं टारगेट टिश्यू में मेटाबोलिज्म एंड फंक्शन का रेगुलेशन हार्मोन्स के द्वारा होता है केमिकल नेचर के आधार पर हार्मोन्स को कई रूपों में विभाजित किया गया है ठीक है पहला हो गया पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन्स ये होते हैं इंसुलिन ग्लूकागान पेटोट्री हार्मोन हाइपोथैलमिक हार्मोन ठीक है दूसरा एस्टेराइड हार्मोन क्या होते हैं कार्टिसोल टेस्टोस्टेरोन एस्ट्राडायल पुजेस्ट्रॉन ठीक है तीसरा हो गया आइड्रोथायरोनिन थायराइड हार्मोन चौथा हो गया अमाइनो एसिड डेरिवेटिव इपीनेफ्रिन सारे हार्मोन्स इंपॉर्टेंट हैं ठीक है आगे देखते हैं जो हार्मोन्स मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से इंटरेक्ट करते हैं वे साधारण टारगेट सेल में प्रवेश नहीं करते हैं लेकिन सेकेंडरी मैसेंजर जैसे साइक्लिक ए एम कैल्शियम आयन आदि का उत्पादन कर सेलुलर मेटाबोलिज्म को रेगुलेट करते हैं ठीक है इंट्रा सेलर रिसप्टर से इंट्रेट करने वाले हार्मोन जैसे स्टेराइड हार्मोन आइडोथायरोनिन आदि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एंड जीनोम के इंट्रेक्शन से जीन के एक्सप्रेशन या क्रोमोसोम फंक्शन को रेगुलेट करते हैं ठीक है यह सभी बायोकेमिकल एक्शन शरीर के फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करती है डियर स्टूडेंट यहाँ ह्यूमन फिजियोलॉजी आज कंप्लीट होती है अगर आपने सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे जाके आप सारे वीडियो देख लीजिए अच्छे से ठीक है हम अगला यूनिट लेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन पहले हम मेजर टॉपिक करेंगे जो एग्ज़ाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बाद हम धीरे धीरे सारे टॉपिक को कम्प्लीट करेंगे ठीक है अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें ठीक है इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा ठीक है धन्यवाद